बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल लैरी कुकिंग में। आज हम बना रहे हैं शलजम गोश्त। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तेल में हम ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ प्याज, इसको हल्का सा गोल्डन करेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके बाद हम ऐड कर देंगे चिकन। चिकन को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर 3 अदद। टमाटर को भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1/2 टीस्पून पिसी हुई मिर्चें। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे शलजम। शलजम को भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें हम ऐड कर देंगे 3 अदद हरी मिर्चें। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 गिलास पानी। इसको हम दम पर रख देंगे 10 मिनट के लिए। दम वाली आंच पर हम इसे पकाएंगे। ये हमारा शलजम गोश्त तैयार हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।